हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। में आज हम लोग बनाएंगे आम की मिठाई। आप अपने ऐसी मिठाई कभी नहीं खाई होगी। चलिए वाला स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने दो आम लिए हैं। इनको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इनको मिक्सी जार में डाल दिया है। अब यहाँ मैंने 1/4 कप चीनी लिया है। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर इतनी चीनी परफेक्ट है। इनको हम पीस लेंगे। अलग कढ़ाई में मैंने यहाँ 2 गिलास दूध लिया है। इनको एक उबाल आने के बाद इसमें हम 1 कप के करीब मिल्क पाउडर डालेंगे। इससे जो हमारी मिठाई है बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर देगा और अच्छा भी लगेगा खाने में। यहाँ 1 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है और 1 कप के करीब ही मैं यहाँ पे नारियल पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे नारियल पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इनको चलाते रहेंगे। जब तक हमारा ये मिक्सचर तैयार हो रहा है तब तक हम एक मसाला रेडी कर ले रहे हैं। ये काजू और बादाम है, 2 इलायची लिया है। अब मिक्सी जार में 1 कप हम नारियल पाउडर लेंगे। 1 कप के करीब हम इसमें चीनी लेंगे, काजू बादाम और इलायची को डाल के थोड़ा सा दूध के साथ हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये लिक्विडी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइट में ही रहे। देखिए अब यहाँ पर हमारा जो बैटर है दूध का वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो आम को प्यूरी बनाया था उसको हम मिक्स कर देंगे। अब बस इनको अच्छे से मिक्स करना है और जब तक ये डो के फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक इनको हमको चलाते रहना है। फ्लेम तेज़ी रहना चाहिए, कम फ्लेम मत कीजिएगा। फ्लेम जो रहेगा वो तेज़ी रहेगा। इनको कंटिन्यू चलाते रहना है और जब तक ये डो के फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक हमको इनको बस चलाते रहना है। बस ध्यान रखिएगा कि ये कढ़ाई में लगने ना पाए, क्योंकि एक बार अगर ये लग गया तो हमारा जो मिठाई का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होते जा रहा है। इनको अभी और चलाना है और ये अभी डो के फॉर्म में नहीं आया है। जब तक ये कढ़ाई के किनारे को नहीं छोड़ देता तब तक हम इनको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक ये डो के फॉर्म में नहीं आ जाता। अब देख सकते हैं ये कढ़ाई के किनारे को छोड़ रहा है और ये डो के फॉर्म में आने लगा है, मगर इनको अभी और हमको कंटिन्यू चलाना है। ये मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपकी रेसिपी बहुत ज़रूर पसंद आएगी। अब देख सकते हैं ये कढ़ाई के किनारे को छोड़ने लगा है, बस इनको और कंटिन्यू चलाते रहना है। ये देखिए ये कढ़ाई के किनारे को छोड़ दिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको अच्छे से ठंडा होने देंगे। इनको ठंडा होने के बाद ही हम यूज करेंगे, इसलिए इनको कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिएगा। दूसरी तरफ हमने जो काजू बादाम का पेस्ट जो तैयार किया था उसको अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। ये लिक्विडी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब इनको हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारी अपनी लोइयों को तैयार कर लिया है। अब जो आपका जो डो था वो भी रेडी हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब ये देख सकते हैं कढ़ाई के बिल्कुल छोड़ दिया है इसने। हमारे जो नारियल काजू बादाम का जो बैटर था वो भी तैयार है, हमारा आम का मिक्सचर भी तैयार है। अब इनको हम छोटी छोटी लोइयां लेके इस तरह से हम काजू बादाम के डो को इसमें हम स्टफ कर देंगे और इनको हम बंद कर देंगे। ये आराम से बंद हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा ये बेसन के लड्डू है कि आम के लड्डू। इसी तरह से हम अपने सारे आम के लड्डू को तैयार कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो एकदम फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा आपको इस वीडियो कैसी लगे। इसी तरीके से हम सारे लड्डू को तैयार कर लेंगे। इनको बनाना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है बनाने में। ये देखिए इसी तरह से हम भरते हुए जाएंगे और इनको कवर करते हुए इनको बंद कर देंगे और लड्डू का शेप दे देंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी है, आप ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करें। इस तरह से सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनके ऊपर डेकोरेट के लिए ये बादाम काट काट के लगा दे रही हूँ, जिससे हमारे जो लड्डू हैं देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए कह ही नहीं सकते ये बेसन के लड्डू हैं या आम के लड्डू। और चलिए मैं इनको कट करके दिखाती हूँ आपको। आ गया ना मुँह में पानी, कर रहा है ना आपका भी मन खाने का। तो चलिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय।